2019 में मुख्यमंत्री की कलनौर रैली में स्थानीय लोगों द्वारा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को बनाने की मांग उठाई गई थी, जिस पर सीएम साहब ने मंजूरी दी थी कि स्कूल को तुड़वा कर दोबारा बनवा दिया जाएगा। की गई घोषणा 2020 में जमीनी स्तर पर भी उतर आई, जिसमें स्कूल को तोड़ने का काम शुरू तो कर दिया गया लेकिन ना जाने कहां गायब हो गई। गत दिवस मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने उसे पुरानी बोतल नई शराब के रूप में प्रस्तुत किया और की गई घोषणाओं में वो पुरानी घोषणा भी शामिल कर दी गई, जिसमें राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलनौर भी बनाया जाएगा और इसका बजट भी आएगा। स्कूल को लेकर जमीनी सच्चाई देख कर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कलनौर की जमीनी सच्चाई। अब इसे लड़कियों की दशा कहें या दुर्दशा, स्कूल भी ये सवाल सरकार से कर रहा है कि मैं घोषणा पीड़ित स्कूल हूँ, मुझे सवारने का वादा 4 साल पहले किया गया था लेकिन तबेला बनाकर छोड़ दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले स्कूल तो बनाओ। स्कूल में कुछ बच्चियाँ बेंच पर बैठी हैं तो कुछ नीचे बैठी हैं, क्या इसे ही कहते हैं बेटियों का सम्मान? स्कूल की मौजूदा स्थिति को देखकर अधिवक्ता सज्जन सिंह ने क्या कहा, सुनिए। स्कूल की मौजूदा स्थिति तो ये है सर कि सिर्फ राजनीति के सिवाय मुझे कुछ नज़र नहीं आता इसमें कुछ चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी बात सबको पता है कि देखो क्या जो गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, गरीब इंसान हैं, क्या उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? उनको भी अधिकार है। अगर उनके लिए सरकारी स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे उल्टा लगता है कि सरकार चाहती है कि अनपढ़ रहेंगे तभी तो ये अपना शासन कर पाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग सवाल उनके माइंड में जन्म लेंगे और वो सरकार से पूछेंगे, तो ये चाहते हैं अनपढ़ लोग, इन्हीं के पास वोट होता है अनपढ़ लोगों के। पढ़े लिखे के 2 बच्चे होते हैं वो विदेश में होते हैं, तो ये पॉलिटिक्स चली हुई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की 3 करोड़ रुपये की स्कूल बनने निर्माण के लिए, तो इसके बारे में आपको? इसके बारे में तो मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो है सामाजिक बात होती है, अगर खट्टर साहब अच्छा काम करें तो हम उनकी भी प्रशंसा करेंगे। सबको पता है कि 2019 से 3,63,00,000 रुपए ऑलरेडी मंजूर हुए पड़े हैं स्कूल के नवनिर्माण के लिए, तो ये मामला सिर्फ इसी वजह से अटका हुआ कि कुछ लोग यहाँ नहीं चाहते कि स्कूल बने। इस मामले को लेकर मैं जो अपने हरियाणा का बाल संरक्षण आयोग है, मिस ज्योति बेंदा जी उसकी चेयरमैन, उनसे मिला, उन्होंने इस चीज़ पर एक्शन लिया। उसके बाद इस मामले में हम डी साहब से भी मिले हैं, इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनसे भी मिले हैं, इस मामले में हम पंचकुला जो अपना होता है DSC वहाँ भी मिले हैं, तो एक होती है CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रोहतक, उनसे भी हमने कंप्लेंट की है कि भी जो बच्चे हैं इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, इन बच्चों को ऐसे ठूसा जाता है स्कूल के अंदर जैसे ये भेड़ बकरियाँ हों, इनके राइट्स का बड़ा उल्लंघन हो रहा है। तो मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है कि यहाँ के जो म्यूनिसिपल काउंसलर होते हैं या और भी मौजूद आदमी होते हैं, काउंसलर की ड्यूटी ये बनती है कि वो गांव में जो समस्या है उसका समाधान करें, लेकिन आज तक जब पूरे गांव ने इसमें संज्ञान लिया, जो सामाजिक कार्यकर्ता उन लोगों ने संज्ञान लिया, उसके बाद थोड़े से जागे हैं कि भी एक पर्चा आगे सरकारी स्कूल बनना चाहिए, वरना जो यहाँ के काउंसलर हैं चेयरमैन, नई स्कूल के बारे में कभी कोई रिस्क नहीं लिया। वो फिलहाल लड़कों का स्कूल है एक इस पे अपने पुराना बस डाकलानोर में, और वहाँ मैं काफ़ी दयनीय स्थिति के अंदर हैं। मैं तो सिर्फ देखो राजनीति करो, हर इंसान का हक है वो करे, लेकिन इस मामले में अगर सबसे अच्छा किसी ने पक्ष उठाया है तो उसमें तो एक तो स्वयं आप रहे हैं सोनू गुराण जी, और उसमें SMC के जो प्रधान हैं पवन कुमार जी, और लेडीज़ हैं जिन्हें मैं बाई नेम नहीं जानता, बेचारी 5-10 लेडीज़ हैं, वो हमेशा इस काम में आगे रही हैं। आज भी मुझे लगता है कि ये मामला जहाँ से हम चले थे वहीं खड़े हैं, ऐसा लगता मुझे। इतने मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है लेकिन फिर भी स्कूल निर्माण की कोई बात आगे बढ़ नहीं, तो क्या इसमें आपके क्या लगता है, कहां पर बात? मुझे इसमें ये लगता है कि इस जो स्कूल के अंदर हैं, इस स्कूल के अंदर लड़कियां पढ़ती हैं गरीब लोगों की, और एक जो लोग नहीं चाहते, देखो मैं ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन जो सच्चाई है उससे हम मुँह भी नहीं फेर सकते, उसे मुँह मोड़ नहीं सकते हम। इस स्कूल के अंदर से जो गरीब लोगों की लड़कियाँ पढ़ती हैं, जो कुछ समाज विशेष के व्यक्ति हैं जो नहीं बनने देना चाहते स्कूल यहाँ, उन समाज की लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं यहाँ। 85% शेड्यूल कास्ट की लड़कियाँ पढ़ती हैं और 15% लड़कियाँ बैकवर्ड समाज से पढ़ती हैं, तो वे उन लोगों का इधर गीता भवन है, तो ये चाहते हैं कि उसके लिए पार्किंग बने, क्योंकि यहाँ और कोई जगह नहीं है। चलो ठीक है पार्किंग बनाओ, कहीं तो लड़कियों का स्कूल बनाओ, लड़कियों के साथ अन्याय अत्याचार क्यों? आखिर 2019 से इनका कसूर क्या है? क्या गरीब होना कोई कसूर है? क्या कोई गुनाह है? तो काफ़ी शर्म की बात है, तो शर्म आनी चाहिए जो लोग
इस मामले में राजनीति कर रहे हैं कलानौर के जो हैं, जिनके हाथ में आ सकता है। आगामी कार्रवाई ये, हम तो ये महीना है इंतजार करेंगे, उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, पीआईएल फाइल करेंगे हाईकोर्ट में। बॉयज स्कूल में पढ़ने को मजबूर छात्राओं ने अपना दर्द बयान करते हुए गरिमा टाइम्स को स्कूल की दुर्दशा को लेकर क्या कहा, सुनिए। सर, यहाँ पर एक तो स्पेस की समस्या है, सभी बच्चे क्लासरूम में फिट नहीं हो रहे, इसलिए बरामदे में पढ़ना पड़ रहा है, जिससे अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, और जो साइंस वाली स्ट्रीम के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही है। लगभग 1000 लड़कियाँ पढ़ती है यहाँ पर, तो इसीलिए स्पेस की समस्या बहुत ज़्यादा है। कितने घंटे कम ही घंटे हो रहे हैं, 6 घंटे हो रहे लगभग, और ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है अच्छी, जिससे वजह से रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। फिर तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से यही मांग करें, जल्द से जल्द हमारा स्कूल बनवा दे, क्योंकि पहले तो कह रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारा स्कूल बनवा भी नहीं रही है, इसीलिए कह रही कि हमारा स्कूल बनवा दो पहले। सर, हमारे में सबसे बड़ी समस्या तो सर, हमारे स्कूल में 100,000+ लड़कियाँ हैं, और हमारे स्कूल में बैठने की भी जगह नहीं है सर, आधी लड़कियाँ बरामदों में बैठ के पढ़ती हैं, टीचर्स को भी दिक्कत आती है सर हमें पढ़ाने में फिर, और हमारे स्कूल का रिजल्ट इसी कारण से ख़राब आता है कि ना तो हमारे पास बैठने की जगह है, और इसलिए हम ढंग से पढ़ भी नहीं पाते सर। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सर, से यही बस, सरकार से यही मांग है हमारी कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बनवा दे, और हम अब ताकि हम अपने स्कूल में जा सकें और ढंग से पढ़ सकें, और अपने टीचर्स का और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सके, और सरकार का। सर, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमारे पास हमारा खुद का स्कूल नहीं है, बिल्डिंग को कम से कम 3 साल हो चुके हैं टूटे हुए, उसके लिए उसको बनाने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया गया। सरकार 2 बार पहले बोल चुकी है कि हम स्कूल बनाएंगे, या फिर कोई कदम, अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे क्या है, हमें ये दिक्कत हो रही है, एक तो हम दूसरे के स्कूल में है, माना कि बॉयज़ स्कूल में है, और बॉयज़ स्कूल में हमें ना ठीक से बैठने की जगह मिल रही है, और शोर वाला इलाका है यहाँ, इससे हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और हम ना किसी और बाहर अपने छोटे बहन भाइयों को इन्वाइट भी नहीं कर सकते कि हमारे स्कूल में आओ। एक तो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वगैरह है, बाज़ार है, और रोड मेन रोड पे है स्कूल। हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द बनाया जाए, इसको लेकर एक अच्छा कदम उठाया जाए, और स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाए। स्कूल के लिए पास किए गए बजट पर विचार रखते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश भाटिया का क्या कहना है, सुनिए। देखो, ऐसे है, मेरे ख्याल में 2-2.5 साल पहले ये स्कूल कंडम हो चुका था। कंडम होने के बाद हमने खुद ही एप्लीकेशन दी थी भाई, ये स्कूल जो है ना कंडम हो गया, इसकी बिल्डिंग को, बच्चों को नुकसान ना हो, ये बिल्डिंग बनाई जाए, किराए पे ना रहें लोग, और ये बिल्डिंग भी ना बनाई जाए। तो बिल्डिंग कुछ गिरा भी दी गई, सरकार ने टेंडर कर दिया, गिराई भी गई। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों के मन में ये आ गया कि भाई ये स्कूल जो है ना, जब हमने लिख के दिया तो वो कहने लगे भाई ये स्कूल की जगह कम है, थोड़ी जगह है, जबकि इसके सरकार के नॉर्म्स पूरे नहीं होते, 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए प्लस 2 के लिए। फिर हमने ये भी कोशिश की भाई, एक जो बाहर नगर पालिका के साथ एक जगह ना, इधर तहसील के साथ जगह पड़ी है भाई, वहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हमने कोशिश की, लेकिन वो तालाब था, तालाब के अंदर वो कहने लगे भी तालाब वाली जगह हम नहीं ले सकते। ऐसे करते करते ये बात फिर जो है ना, हमने यहीं पे कोशिश कर ली। फिर हम माननीय जो है शिक्षा मंत्री जी को हम दे के आए, लिखवा के आए, भाई आप जो है ना ये स्कूल जो है ना वहाँ आप अपना बना दो, वहीं का वहीं बना दो, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि बाहर नहीं बन सकता। तो उन्होंने वो उसको कह दिया, सरकार को कह दिया, उन्होंने एक नक्शा नुक्शा भी बनाया, सारे काम किए, तो उन्होंने आइडिया भी लगाया भाई इतने करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन वो आगे कुछ ना कोई ऐसी उसमें कमी रही कि पूरा नहीं हो पाया। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हमने उनको लिख के दिया था भाई ये जो है ना इसमें आप भाई इसको बनाएं, तो उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, वहीं पे उसी बिल्डिंग में बनेंगे और जल्दी से जल्दी बन जाएगा। 2 बार बजट पास किया गया, तो पिछले बजट पर पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपने क्या विचार रखे हैं, ये भी सुनिए। कि अभी कोई पहले का जो, हम तो 2-3 बार चंडीगढ़ पता करके आए, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था कि कोई पहले मंजूरी नहीं आई थी कि भाई 3.5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए पहले आए हैं, ऐसा कोई हमारा मामला संज्ञान में नहीं है, और ना ये आए थे।
तो अभी क्या मानते चले लड़कियों को स्कूल कब तक मिल जाएगा? बहुत जल्दी, ये जो सरकार के नियम है, जैसे अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिख के दिया, उन्होंने फिजिबिलिटी के लिए डिपार्टमेंट को भेजा, डिपार्टमेंट ने फिजिबिलिटी करके भेज दी, अब उन्होंने पैसे मंजूर कर दिए। अब होने के बाद ऐसा सिस्टम है, पहले नक्शा बनेगा, फिर टेंडर होंगे, टेंडर होने के बाद जो है फिर ये काम हो जाएगा। अब जो सिस्टम के अनुसार जो भी टाइम लगता है वो होगा, लेकिन काम सारे शुरू हो जाएंगे। रोहतक के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री व हरियाणा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने स्कूल को लेकर क्या विचार रखे हैं, जरा इनकी भी सुन लीजिए। बजट दे दिया कल, घोषणा कर दी मुख्यमंत्री। तीन साल पहले भी उसके लिए बजट था, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग जस्ट की तरह से अभी भी खराब है। मैंने कहा कि मैडम दो साल कोरोना काल के वजह से कई काम रुक गए, कल के मुख्यमंत्री की 4 तारीख की घोषणाओं से ये जिला, आप जब एक साल ये पूरे हम काम कर लेंगे, एक साल 2023 में फिर आपके बीच में बैठेंगे, फिर बताना कौन से स्कूल की हालत खराब है। लेकिन स्कूलों में गाय बकरियां पल रही है, वो तो अभी गाय का दूध अच्छा लगता है, बकरी का दूध भी अच्छा है, उससे पीलिया नहीं होता बकरी। बता दें कि विद्यालय 72 साल पुराना है तथा काफी जर्जर हो चुका है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल निर्माण का 2,80,00,000 रुपए का बजट मुख्यालय भेजा गया था। नक्शे के मुताबिक 3 मंजिला स्कूल बनना था, जिसमें 28 कमरे बनाए जाने का प्रावधान था। इस खबर पर आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। नमस्कार।